Good morning and praise the Lord to everyone who are listeners to this meditation. और आज की सुबह आप सबको सुप्रभात और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं वे सब जो इस बाइबल मनन में आज की सुबह हमसे जुड़े हैं and this is a new day, और ये एक नया दिन है and God's faithfulness and grace has given us this day that we may glorify him and praise his name. और परमेश्वर की विश्वासी योग्यता और अनुग्रह से परमेश्वर ने एक और नए दिन को हमें दिया है कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाकर उसे महिमा देने पाए. Today's meditation is taken from the book of Joel, the prophet Joel, chapter 3, verse 18. और आज के मनन के लिए हमने योएल नबी की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और 18वें वचन से हम बात करेंगे. These prophecies in Joel talk about the spiritual prosperity the Israelites are going to enjoy in the kingdom of God that is coming. और ये वचन बात करता है कि किस प्रकार से इज़राइल के लोग उस आत्मिक समृद्धि का आनंद लेंगे, उसका उत्साह उठाएंगे जब वो परमेश्वर के राज्य में होंगे. So this particular verse in chapter 3 verse 18 talks about this prosperity. और इसलिए तीसरे अध्याय योएल नबी की पुस्तक के 18वें वचन में हम इस आत्मिक समृद्धि को देखते हैं. So let me read it for you. और मैं इस वचन को आपके लिए पढूंगा. The English version says, "In that day, the mountains will drip new wine, and the hills will flow with milk. All the ravines of Judah will run with water. A fountain will flow out of the Lord's house, and will water the valley of Acacias." The church, okay, go ahead. उस समय पहाड़ों से नया दाख मधु टमकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा के भवन में एक सोता फूट निकलेगा जिससे शीतम सी घाटी सींची जाएगी. The church is the new Jerusalem. और याद रखिए कलीसिया ही परमेश्वर का नया यरूशलेम है. And the new Jerusalem is the renewed and sanctified citizens of the spiritual kingdom. और जो नया यरूशलेम के लोग हैं वो परमेश्वर के द्वारा शुद्ध और पवित्र किए गए उसके राज्य के भागी हैं. In verse 17, और 17वें वचन में, we are told that the presence of the Lord consecrates and blesses Zion. और इसमें लिखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति से सियोन नगर में उसकी उपस्थिति और उसके आशीष होगा. एंड हिज प्रेजेंस डिफ्यूजेस प्यूरिटी. और उसकी उपस्थिति से पवित्रता बहती है. एंड कॉन्फिडेंस. और भरोसा. एंड जॉय. और आनंद. You know, if you read Acts chapter 5 verses 1 to 11, और प्रेरितों के कार्य पांचवा अध्याय एक वचन से लेकर 11वें वचन तक, we read about a husband and wife team who tries to impress them upon the people how generous they are and how good they are in giving. और प्रेरितों के कार्य में हम एक ऐसे जोड़े के विषय में पढ़ते हैं जो लोगों के सम्मुख ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने देने वाले और कितने उदार हृदय के हैं. Their names were Ananias and Sapphira. और उनका नाम अनानियास और सफायरा था. And I'm sure all of you are very familiar with that story. और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि आप सब इस कहानी को जानते हैं. In those days, you know, the people of God were selling their properties and bringing the money and laying them at the feet of the apostles. और इन दिनों में परमेश्वर के लोग अपनी संपत्तियों भूमियों को बेचकर उस पैसे को प्रेतों के चरणों में लेकर के आ रहे थे. This was to help the poor people of the church. और ये इसलिए था कि कलीसिया में मौजूद गरीब लोगों की सहायता की जा सके. That is the joy of community life. और यही एक आनंद है एक सामाजिक जीवन का. Church is a community. और याद रखिए कलीसिया भी एक लोगों का समाज है. And you know what they did. और आपको पता है कि उन्होंने क्या किया. They took a part of their proceedings and kept it secretly
for themselves. और उन्होंने ऐसा किया कि अपनी भूमि और संपत्ति को बेचने के पश्चात उसका एक भाग अपने लिए रख लिया. And the rest they brought and laid it at the feet of Peter, pretending that they are giving the whole amount. और बचा हुआ बाकी उन्होंने पतरस के पैरों पर रख दिया और ये दिखावा करते हुए कि मानो वो पूर्ण पैसा उसको दे रहे हों. Now you know what happened. और आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? Immediately the Holy Spirit revealed to Peter what they did. और तुरंत ही पवित्र आत्मा ने इस बात को उस पतरस को दर्शाया कि उन्होंने क्या किया. And ultimately Ananias the husband died. और अंत में हुआ ये कि जो अननियास था उसका मृत्यु हो गया. The young people in the temple, they came and carried the dead body and buried. और वहां के जवान आए, उन्होंने उस मृत देह को उठाकर उसे दफना दिया. And after some time, और कुछ समय के बाद the wife Sapphira came. और Sapphira उसकी पत्नी भी वहां पहुंची. And she also told Peter the same lie. और उसने भी पतरस से यही कहा. And Peter said, और पतरस ने कहा, You are lying, and the feet of those who carried your husband's body and buried, they will come and do the same thing for you. And she immediately fell and died. और पतरस ने उससे कहा कि तू भी झूठ बोलती है, और जिन व्यक्तियों ने तेरे पति को उसके मरने के पश्चात दफनाया, उनके कदम आने की आहट निकट है, और वही तुझे भी दफनाएंगे. और तुरंत ही Sapphira भी वहां मर गई. This was the first sin in the church recorded in the Bible. और ये वो पहला पाप था कलीसिया में जिसे बाइबल में या पवित्र शास्त्र में जिसका लेखन है. And in that first instance itself, और इस पहले ही ऐसी घटना में God made it very clear, परमेश्वर ने इस बात को बड़ी स्पष्ट रीति से दिखाया, would not tolerate any sin or defilement within the body of Christ, which is the church. कि वो अपनी कलीसिया जो कि परमेश्वर की देह है, किसी प्रकार का पाप या भ्रष्टाचार या दोषी को नहीं रहने देगा. Why? क्यों? Because the presence of the Lord was there. क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति वहां मौजूद था. Immediately, और तुरंत ही that impurity and that lie were removed from the church. तुरंत ही वो अशुद्धता और वो झूठ कलीसिया से दूर कर दिया गया. You see, also his presence can drive out strangers and foreigners. और साथ ही साथ उसकी उपस्थिति जो अन्य जाति के लोग हैं, जो लोग जिन्हें हम नहीं जानते, उन्हें भी दूर कर सकती है. Strangers will come and bringing strange teachings that will defile the church. और अलग प्रकार के लोग कलीसिया में आते हैं और अलग अलग शिक्षाओं का प्रचार करते हैं. Foreigners will come and introducing foreign gods who are no gods at all. और विदेशी आएंगे और ऐसे देवी देवताओं को बारे में बताएंगे जो कि परमेश्वर या ईश्वर है ही नहीं. Though today both the wheat and the tares grow together, और जबकि आज के दिन दोनों गेहूं और घुन साथ में उगता है, the day of the Lord is coming. लेकिन परमेश्वर का दिन आने को निकट है. And that day shall witness a separation. और वो दिन अलगाव का दिन होगा. Just like tares are separated from the wheat. और जैसे कि जिस प्रकार से धान को गेहूं को उसके घुन से अलग कर दिया जाता है. Saints of God, holy people of God shall be separated from the sinners and people who will defile the church. उसी प्रकार से परमेश्वर के संत जन जो पवित्र हैं और वो जो परमेश्वर की कलीसिया को दूषित करते हैं, अलग अलग कर दिए जाएंगे. See, the book of Revelation chapter 21 verse 27 says, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21वां अध्याय 27वें वचन में लिखा है, There shall in no wise enter into heaven anything that defiles. और ऐसी कोई भी बात जो अशुद्ध करती है वो स्वर्ग में नहीं जाएगी. And in the same chapter in Revelation, और उसी प्रकाशित वाक्य के उसी अध्याय में, verse 8 makes it very clear. आठवां वचन इस बात को बड़ी स्पष्ट रीति से बताता है. Let us read it. आइए हम इस वचन को पढ़ें. You go ahead and read. प्रकाशित वाक्य 21, Chapter 21, verse 8. 21वां अध्याय और 8वें वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों
और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। That is the church in which the presence of God remains. और एक ये ऐसी कलीसिया के विषय में बात हो रही है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति बनी रही रहती है। And now in verse 8 in the book of Joel chapter 3 और योएल नबी की पुस्तक तीसरा अध्याय आठवें वचन में there is the promise of a tremendous spiritual prosperity और आत्मिक समृद्धि का एक बहुत बड़ा वादा परमेश्वर ने किया है। And literally और सच में these prophecies are to be fulfilled during millennium और ये सारी जो भविष्यवाणियां है वो हजार साल के उस राज्य के समय पूरी हो जाएंगी। But the church whose members are the true descendants of Abraham लेकिन ऐसी कलीसिया जिसके सदस्य अब्राहम के वंशज हैं may enjoy these blessings now वो इन आशीषों का आनंद अभी भी ले सकते हैं। There are three wonderful promises तीन अद्भुत वादे हैं। It says number one mountains dropping new wine और तीन अद्भुत प्रकार के वादे हैं जिसमें से पहला ये है कि पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा। Now this promise symbolizes और ये वादा इस बात को दर्शाता है the spiritual joys of the church कि कैसे कलीसिया की आत्मिक आनंद बढ़ता चला जाएगा। As wine makes the heart of people glad जैसे कि एक दाख मधु लोगों के हृदय को आनंदित करती है। The scriptures speaks of man making glad the heart of wine as making glad the heart of man और वचन बताता है कि कैसे वो दाख मधु लोगों के हृदयों को आनंद करने के विषय में बात करती है। A joy of salvation और उद्धार का आनंद and joy of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा का आनंद and then joy of the Lord और परमेश्वर का आनंद। There are these threefold joys mingled together. What a great joy that shall be! और ये त्रि एक आनंद जो एक साथ मिलकर एक अद्भुत आनंद को हमारे अंदर बनाते हैं। And secondly और दूसरा वादा hills flowing with milk और टीलों से दूध बहने लगेगा। What does that symbolize? इसका क्या मतलब है? It symbolizes the spiritual nourishment of Christ's body. इसका मतलब है कैसे से प्रभु यीशु मसीह की देह का पोषण मिलेगा। We are told or taught in the New Testament especially by Apostle Peter to desire the sincere milk of the word और कैसे पॉल स्पिरिट ने या क्षमा करिएगा पत्रस ने इस बात को कहा है कि वचन के सच्चे दूध की प्यास तुम्हारे भीतर हो। व्हाई क्यों? दैट वी मे स्पिरिचुअली एनरिच्ड एंड बी ब्लेस्ड ताकि हम आत्मिक रूप से समृद्ध और आशीषित होते चले जाएं। As Canaan was a land flowing with milk and honey, और जैसे कनान देश द मधु और दूध से बहता हुआ देश था, so the church of the blessed Savior is rich with all that can enrich. और इसी प्रकार से उस धन्य उद्धारकर्ता की कलीसिया भी हर एक उस आशीष से भरी हुई है जो हमें परिपूर्ण कर सकती and है। And nourish and bless. और हमें पोषण दे और हमें धन्य और आशीषित बनाए। Bless the people of God. और परमेश्वर के लोगों को आशीष दे। They shall hunger no more. और अब वो भूखे नहीं होंगे। And thirst no more. और वो प्यासे नहीं होंगे। What a blessing. और कितनी बड़ी आशीष। And number three. तीसरा वादा। The fountain and rivers flowing with waters. और सब यहूदा के देश के सब नाले भर जाएंगे और यहोवा के भवन में एक सोता फूट निकलेगा। Now this symbolizes revival and refreshment
of the church. और ये दिखाता या दर्शाता है कि कैसे कलीसिया में एक बेदारी और एक नयापन या तरोताजापन आएगा. Oh, may our hearts rejoice. और होने दे हमारे हृदय आनंदित हो जाएं. The promises of God are good for all of His people. और परमेश्वर के वादे तो उसके हर एक जन के लिए सच्चे हैं. And especially this prophecy. और खास रीति से ये भविष्यवाणियां. Both the Israelite and the new Israel. और दोनों the church. चाहे वो कलीसिया हो या नया इज़राइल हो. And my friends, मेरे मित्रों, we can look forward to such a rich, enriched prosperity in many ways. हम ऐसी as we look forward to the day of the Lord. हम ऐसे धन समृद्धि और ऐसे समृद्धि होने को और आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं. So, but the rapture is going to happen very soon. लेकिन कलीसिया का उठाया जाना तो बहुत जल्द हो जाएगा. So remembering these blessings that are awaiting us. और इसलिए ये सारी आशीषें जो हमारा इंतजार कर रही हैं. Let us eagerly bless the Lord by carrying the gospel and bringing as many people are inside that they too may enjoy. होने दे हम परमेश्वर को आशीष देते हुए और ज्यादा लोगों को उसके राज्य में ले आए ताकि वो भी इन आशीषों का आनंद उठाने पाए. You and I need the Holy Spirit. हमें और मुझे और आपको पवित्र आत्मा का आवश्यकता है. Lord God Almighty. हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर. Blessed Holy Spirit. हमारे धन्य पवित्र आत्मा. Come and occupy our lives. आ और हमारे जीवनों को भर दे. And use us. और हमारा प्रयोग कर. That more people shall enter into the church of Jesus Christ. ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तेरी कलीसिया में आने पाएं. That they too will have the tremendous opportunity of enjoying the fulfillment of these prophecies. ताकि उन्हें पास भी आनंद और उत्साह होने पाए कि वो इन भविष्यवाणियों को और इन वादों को पूरा होते हुए अपने जीवन में देखने पाए. Thank you. धन्यवाद. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. यीशु के नाम में. This is a great day, my friend. Amen. ये एक महान दिन है मेरे मित्रों. Enjoy this day and glorify the Lord. आनंद ले और परमेश्वर को महिमा दें. Amen. Amen.